हेलो, मेरा नाम है सुनील कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं विमान क्या है और आप हैं इको विद एस्केपर। ये आज हमारी इकोनॉमिक्स वाली सीरीज है जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिमांड क्या है। वेल, डिमांड क्या है? डिमांड आपने आमतौर पर सुना डिजायर, वांट्स, ये डिमांड है, लेकिन ये डिमांड नहीं है, ये कुछ अलग है। वेल, हम डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो डिमांड इट मीन्स कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी चीजें खरीदना चाहते हैं, वो डिमांड है। लेकिन यहां मैं दो चीज आपको क्लियर कर दूं, डिजायर या वांट डिमांड नहीं है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जेब में 2 रुपए है। कितने रुपए हैं? 2 रुपए। आपकी जेब में 2 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि आप एक कार खरीद लें, तो कार खरीदना सिर्फ आपकी डिजायर हो सकती है लेकिन वो डिमांड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए एबल नहीं है, आप उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो यदि आपके पास आपकी कोई डिजायर है, आपकी कोई वांट है, लेकिन आपके पास उसको खरीदने की ताकत नहीं है, मीन्स आप उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो वो फिर डिमांड नहीं है। तो डिमांड क्या है? डिमांड ये है, डिमांड को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, कंज्यूमर विलिंग है, इट मीन्स कंज्यूमर की डिजायर है, वांट है, कंज्यूमर चाहता है, विलिंग एंड एबल, विलिंग एंड एबल, खरीदना चाहता है और खरीदने के काबिल भी है, खरीद भी सकता है। तो बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर आप टीवी खरीदना चाहते हैं, 10,000 रुपए में टीवी मिल रहा है, टीवी खरीदना चाहते हैं विलिंगनेस से, 10,000 रुपए आपकी जेब में या एबल है, लेकिन आप उसको 10,000 रुपए में खरीदना चाहते हैं, आप उसको 20,000 रुपए में खरीदना चाहते हैं। तो एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप किसी पर्टिकुलर चीज को कितना खरीदना चाहते हैं, ये डिमांड है। आगे हम बात करेंगे कि मार्केट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इसके अलावा डिमांड कर्व क्या होता है, एक्सेट्रा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ कमोडिटी हो गया, सेकंड थिंग दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इसमें सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ई फॉर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में फ्यूचर प्राइस कैसी रहेगी वो पर्टिकुलर चीज की। मान लीजिए कोई चीज फ्यूचर में महंगी होने वाली है, आप क्या करेंगे? उसको आप जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज है, आपको मालूम है कि अभी जीएसटी आने से, मान लीजिए कि जीएसटी आने से कोई पर्टिकुलर चीज महंगी होने वाली है, तो वो पर्टिकुलर चीज महंगी हो उसके पहले ही आपको खरीदने लगेंगे। इट मीन्स कोई चीज महंगी होने वाली है, कोई नहीं होने वाली है, इसलिए आप उसको अभी से ज्यादा खरीदने लगते हैं। या हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि अभी जीएसटी जैसे आया है, तो हमको मालूम था कि जीएसटी आने से जो बाइक है, बाइक की कीमत क्या हो जाना चाहिए, बाइक की कीमत भी कम हो जाना चाहिए। बाइक की कीमत कम हो जाती है तो आप वेट करेंगे, आप उस समय नहीं खरीदेंगे, जब बाइक की कीमत कम हो जाएगी तब खरीदेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के, इन द फ्यूचर वो उसकी प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी। यदि मान लीजिए प्राइस ज्यादा हो रही है तब आप होने वाली है, इन द फ्यूचर होगी, फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होने वाली है, इट मीन्स अभी आप उसको ज्यादा से ज्यादा खरीद लेंगे, यानी कि अभी डिमांड बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इन द फ्यूचर आपको लगता है उसकी प्राइस कम होगी तो अभी आप उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि थोड़ा टाइम बाद ही खरीद लूं मैं इसको। मान लीजिए आपको पता चलता है कि 6 महीने बाद इसकी प्राइस कम होने वाली है तो आप उसको अभी नहीं खरीदेंगे, आप उसको बाद में खरीदेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दिवाली पर बहुत सारी चीज़ों पर स्कीम मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती है, तो आप वेट करते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं खरीदता हूँ, मैं दिवाली में खरीदूंगा। तो इट मीन्स वो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड जो कम रहेगी। तो एक और अपना पॉइंट हो गया, दैट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन कमोडिटी, उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो पर्टिकुलर चीज को खरीदने वाले कंज्यूमर है उसकी इनकम में भी बढ़ जाती है,
ऑब्वियसली इनकम बढ़ेगी तो वो उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड ज्यादा करने लग जाएगा, और इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम जो है वो 10,000 थी, तो 10,000 थी तो हो सकता है वो साल भर में 4 ड्रेस खरीद रहा था या 4 कपड़े खरीद रहा था। अब मान लीजिए उसकी इनकम जो है 20,000 होगी, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसे होंगे, व्यक्ति ज्यादा खर्च करेगा, ये ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर है। हो सकता है वो 5 ड्रेस या 10 ड्रेस खरीदने लग जाए, हो सकता है वो 5 ड्रेस खरीदने लग जाए। लाइकवाइज मान लीजिए पहले इनकम ज्यादा थी, अब मान लीजिए किसी वजह से डिमोशन हो गया तो सैलरी कम मिल रही है, सैलरी कम मिल रही है तो पहले यहाँ पर 5 ड्रेस खरीद रहा था, अब 4 ड्रेस खरीदेगा, 3 ड्रेस खरीदेगा, 2 ड्रेस खरीदेगा, वट एवर। इट मीन्स ये इनकम के साथ साथ डिमांड भी कम हो जाना चाहिए। तो इनकम और डिमांड में रिलेशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम बढ़ना बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट दैट इज टी फॉर कैश एंड प्रेफरेंस। कैश एंड प्रेफरेंस, कैश एंड प्रेफरेंस। कोई पर्टिकुलर चीज अभी तक लोगों को टेस्ट उसका मान लीजिए अच्छा नहीं था, बट लेकिन मान लीजिए कंपनी ने कुछ नया चेंजेस किया और उसका टेस्ट अच्छे हो गया, तो हो सकता है कि वो चीज ज्यादा निकल जाए, हो सकता है कि लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जींस है, अभी पेंसिल टाइप वाली जींस है, तो पेंसिल जींस में अब पेंसिल वाली जींस लोगों ने उसको काफी लाइक किया, तो वो पेंसिल वाली जींस ज्यादा बिकने लगी। अब लोगों का मान लीजिए टेस्ट चेंज हो गया, नहीं नहीं पेंसिल वाली जींस नहीं पहनना, अब तो डिफरेंट टाइप के ट्राउजर्स पहनना है, ट्राउजर लोगों को ज्यादा पसंद करने लगे। मान लीजिए कोई मूवी आ गई तो वो मूवी में शाहरुख खान या अक्षय कुमार ने ट्राउजर पहनता है और ट्राउजर बड़ा स्टाइलिश ट्राउजर होगा, तो वो ट्राउजर तरफ लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस करने लगे। इट मीन्स वो पेंसिल जो पैंट था वो बिकना कम हो गया और अब ट्राउजर ज्यादा बिकने लग गया। तो ये कुछ डिटरमिनेंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज ज्यादा बिकेगी या कम बिकेगी। पहली चीज प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी की प्राइस जिसमें रिलेशन क्या रहना चाहिए, जिसमें रिलेशन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी। नेक्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें सेपरेट गुड्स है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए हम बात करें जैसे टी और शुगर, टी की प्राइस यदि बढ़ गई है मान लीजिए तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी कम होने से शुगर की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। लाइकवाइज सेपरेट गुड्स में इसका अपोजिट होगा, एक्सपेक्टेशन आप फ्यूचर में यदि कोई पर्टिकुलर चीज की कीमत बढ़ने वाली है तो आप अभी ज्यादा खरीदेंगे, और घटने वाली है तो आप अभी क्या करेंगे। यदि इन द फ्यूचर किसी चीज की प्राइस घटने वाली है तो आप अभी नहीं खरीदेंगे, आप फ्यूचर खरीदेंगे। नेक्स्ट इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है ऑब्वियसली ज्यादा से खरीदा, घट रही है कम से खरीदेगा। नेक्स्ट टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि वो चीज ज्यादा लोगों को लाइक करने लग जाएगी, वो चीज ज्यादा बिकने लग जाएगी। तो ये था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। थैंक यू।